अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी अच्छी हूँ। और आज शीर खुरमा बना रही हूँ ईद के लिए, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूँ। तो ये मैंने पैन में 2 टीस्पून घी डाल के सेवियों को रोस्ट कर लिया है, और अब इसमें मैं डालूँगी बॉईल किया हुआ दूध, जो कि मैंने लिया है 1.5 लीटर। अब इसे हम कंटिन्यूसली स्टर करेंगे। वीवर्स, हम दूध को पहले जब बॉईल करेंगे तब रिड्यूस नहीं करेंगे, जब हम सेवइयों में डाल देंगे दूध को तब इसे अच्छी तरह से हम चलाएंगे। और इसके अंदर एक बाउल भर के फ्रेश क्रीम ऐड कर लेंगे। अगर आपके पास घर की क्रीम है तो आप वो भी डाल सकते हैं। क्रीम डालने के बाद अच्छी तरह से हम इसे चलाते रहेंगे। तो वीवर्स, इसमें बॉईल आ चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लें, मैं ये 300 ग्राम चीनी डाल रही हूँ। अब मैं इसमें ऐड करूंगी कंडेंस मिल्क। ये भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही लें, ज़्यादा मीठा अगर चाहिए तो आप एक कैन जो होता है छोटा सा वो आप फुल डालें 200 ग्राम का। मैंने इसमें का आधा डाला है। इसमें डालेंगे हम हरी इलायची का पाउडर 1/4 टीस्पून। इसकी फ्लेम अब स्लो करके हम ड्राई फ्रूट को घी में रोस्ट कर लेंगे। पैन गरम हो चुका है, अब इसमें हम डालेंगे घी। घी को ज़्यादा गर्म ना करें आप, वरना ये जो ड्राई फ्रूट है तो ये सारा जल जाएगा, फिर सारी मेहनत आपकी पानी। ड्राई फ्रूट रोस्ट हो चुका है, गैस ऑफ कर देंगे और अब इसे हम शीर खुरमे में पोर करेंगे। कैसा है?
इसमें भी आलू।